राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता के विजेताओं को नवनिर्वाचित महापौर शोभा शिखरवार करेंगे पुरस्कार वितरण, सेवक करेंगे भव्य स्वागत, विशेष अतिथि होंगे विधायक सतीश शिखरवार। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी 5 अगस्त शुक्रवार को हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया। ये प्रतियोगिता प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। शाम को 4 बजे श्रीमती शोभा शिखरवार महापौर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हमारे ग्वालियर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शोभा शिखरवार का सेवकों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, ताकि वो शहर की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने में सफल रहे। मंदिर में राम मंदिर निर्माण के कार्य में कोई बाधा न आए, इसके लिए 4 मई 2020 से लगातार हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसकी 2.25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मंदिर में पिछले 2 माह से हर मंगलवार को लगभग 150 भक्तजन असंख्य हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मंदिर में नियमित रूप से हर मंगलवार को भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहता है। प्रतियोगिता में निर्णयकर्ता आचार्य माननीय श्री प्रेमचंद जी अवस्थी भूतपूर्व व्याख्याता संस्कृत महाविद्यालय होंगे, साथ में पंडित पीयूष शास्त्री रहेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहा है, और यहाँ उसके के कार्य में बाधा ना आए, उसके लिए हवन और यज्ञ 4 मई 2020 से चल रहा है। इसी क्रम में दूसरी बरसी है 5 अगस्त शिलान्यास की। 5 अगस्त 2020 को माननीय मोदी जी ने शिलान्यास किया था राम मंदिर निर्माण का, तो दूसरी बरसी पर यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। शाम को 4 बजे जो विजयी प्रतियोगी होंगे उनको क्या नाम है पुरस्कार वितरण होगा, उसके लिए माननीय श्रीमती शोभा शिखरवार जी जो नवनिर्वाचित महापौर हैं उनको आमंत्रित किया गया है। यहाँ 5 वर्ष हमारी महापौर बहुत अच्छे से कार्य करें, इसके लिए सेवक उनका स्वागत करना चाहते हैं तो वो स्वागत करेंगे। तो ये कार्यक्रम, और मंगलवार का जो प्रति मंगलवार को कार्यक्रम होता है, सैकड़ों लोगों के द्वारा असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं और प्रसादी होती है, वह भी निर्विघ्न चालू है।
और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।